एक पचास पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हाँ भाई टिश्यू क्या होता है भाई ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटर सेलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इट इज कॉल्ड टिश्यू 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 ओके अब एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू बेटा चार तरीके होते हैं एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर एंड न्यूरल एपीथिलियल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं बेटा तो एपिथिलियल टिश्यू की अगर बात की जाए तो एपिथिलियल टिश्यू दो तरह के होते हैं सिंपल एपिथिलियम एंड कंपाउंड एपीथिलियम सिंपल एपीथिलियम में सिंगल लेयर सेल की पाई जाती है और इनका काम मेनली लाइनिंग बनाना होता है बॉडी कैविटीज डक्ट या ट्यूब की कंपाउंड एपिथिलियम में दो या दो से ज्यादा लेयर पाई जाती है और इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है जैसा कि हमारी स्किन में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के आधार पर सिंपल एपिथिलियम तीन तरह की होती है स्क्वामस क्यूबोटल एंड कॉलेमर ये स्क्वेमस फ्लैट सेल दिखाई गई क्यूबाइडल लाइक और कॉलमनर में टॉल सेल प्रेजेंट होती है स्क्वेमस एपिथीलियम में सिंगल लेयर फ्लैट सेल की होती है जो इरेगुलर बाउंड्रीज और कहाँ पर वॉल ऑफ ब्लड वेसल और एयर सेक ऑफ लंग में पाई जाती है और ये डिफ्यूजन बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं डल एपिथिलियम में सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल पाई जाती है ठीक है ये कॉमनली डक्ट ऑफ ग्लैंड में और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी यानी पीसीटी और डीसीटी रीजन में पाई जाती है मेन काम होता है सिक्रीशन एंड एबजॉर्बन ठीक है साथ ही जो एपिथिलियम ऑफ पीसीटी होती है उसमें माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं जो सरफेस एरिया को और बढ़ा देते हैं कॉलमनर एपिथिलियम की बात करें तो कॉलमनर एपिथिलियम में टॉल और सिलेंडर सेल पाई जाती है सिंगल लेयर और इनका न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट होता है फ्री पे माइक्रो माइक्रोविलाई हो सकते हैं। कहां पर मिलेंगी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन इनका काम भी सिक्रीशन और एब्सॉर्पन है यानी जो क्यूबाइडल और कॉलमनर है इनका दोनों का काम क्या है सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन दोनों का काम हो जाएगा अब अगर कॉलमनर या क्यूबाइडल सेल के ऊपर सीलिया है तो इन्हें सीलिएटेड एपिथीलियम कहेंगे कहां पर मिलेंगी और में एपिथीलियम पाई जाएंगे अगर कॉलमनर या क्यूबाडल से सिक्रेशन करने लगे तो इन्हें ग्लैंडुलर एपिथिलियम कहेंगे जो दो तरह की होती हैं यूनिसेलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम और मल्टी सेलर एपिथीलियम। एपिथिलियम यूनिसेलर में गॉबलेट आ जाएंगी जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती म्यूकस को सिक्रीट करती और मल्टी सेलर में स्लाइवरी ग्लैंड आ जाएंगी जो स्लाइवा को सिक्रीट करने का काम करती हैं ठीक है सिक्रीशन के आधार पर ग्लैंड दो तरह की होती हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है म्यूकस स्लाइवा ईयर वैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट है ना और इनमें डक्ट या ट्यूब पाई जाती है लेकिन जो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें डक्ट नहीं पाई जाती इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं और इनके सिक्रेशन को केवल और केवल हार्मोन का नाम दिया जाता है कंपाउंड एपिथिलियम मल्टी लेयर्ड होती है और इनका सिक्रेशन एंड में लिमिटेड रोल होता है इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना इनका मेन काम प्रोटेक्शन करना होता है कहां पर मिलेंगी ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन मॉय सर्फेस ऑफ बक्ल कैविटी फेरिंग्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट डक्ट ऑफ द ग्लैंड ग्लैंड एंड जो की डक्ट होती है उनकी इनर लाइनिंग और पेनक्रियाटिक जो लाइनिंग होती है हो, कौन बनाता है बेटा कंपाउंड एपीथिलियम बनाती है कंपाउंड एपिथिलियम इसका फॉर्मेशन करते हैं ये देखो ये कंपाउंड एपीथिलियम है जहां पर मल्टी सेल आपको दिखाई गई सेल आपको दिखाई गई क्लियर अब देखो एनिमल टिश्यूज में अगर हम बात करें लगभग सभी एनिमल टिश्यूज में तीन तरह के जंक्शन पाए जाते हैं ना तीन तरह के जंक्शन पाए जाते हैं टाइट जंक्शन एटेरिंग जंक्शन गैप जंक्शन टाइट जंक्शन हेल्प सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग Junction performing cementing to keep neighboring cell together, और गैप जंक्शन सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऐसी लैंग्वेज है कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है बॉडी के अंदर ठीक है अब अगर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के हो सकते हैं बेटा ठीक तीन तरह के हो सकते हैं और एक चीज और ध्यान रखनी ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें ब्लड को छोड़कर ठीक है एक्सेप्ट ब्लड जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी सेल फाइबर और प्रोटीन को सिक्रेट करने का काम करते हैं ठीक है कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आ जाएगा एरियोलर टिश्यू और एडिपो टिश्यू हैं दोनों ही स्किन के नीचे पाए जाते हैं दोनों ही स्किन के नीचे पाए जाते हैं है ना जो एरियोलर टिश्यू होता है दिस इज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं ये देखो ये एरियोलर टिश्यू दिखाया गया मास्ट सेल हो गई मैक्रोफेज हो गई

मसल को बोन से जोड़ते हैं और लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं डेंस इरेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं स्किन में पाए जाते हैं कार्टिलेज बोन और ब्लड की बात करें कार्टिलेज बोन और ब्लड ये स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो आपकी जो आप पहले पढ़ चुके हैं कार्टिलेज सॉलिड और प्लीएबल होता है जो कंप्रेशन को रजिस्ट करने का काम करता है इनकी सेल को कॉन्ड्रोसाइड कहते हैं ठीक है ज्यादातर जो कार्टिलेज वर्टिबलेट एम्ब्रियो में होती है एडल्ट में बोन के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है कार्टिलेज कहाँ पर पाई जाएंगे टिप ऑफ नोज आउटर ईयर ज्वाइंट बिटवीन एडजस्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लिम्स एंड हैंड्स ऑफ द एडल्ट बोन हार्ड और नॉन प्लीएबल होती है कैल्शियम सॉल्ट इसमें काफी ज्यादा होता है ये मेन टिश्यू है बोन मेन टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम टू तो द बॉडी बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं ठीक है जो लिम बोन होती हैं, हमारे लेग की है ना जो लिम बोन होती है जिन्हें फीमर कहते हैं ये बॉडी के वेट को बियर करने का काम करती है ना और बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो में ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है ब्लड की बात करें तो ब्लड एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फॉर्म एलिमेंट और प्लाज्मा होता है और इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 17 और 18 में पढ़ ही चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में मसल के बारे में भी पहले हम पढ़ चुके हैं मसल की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है ना तीन तरह की मसल हम जानते हैं स्केलेटल मसल स्मूथ मसल और कार्डिक मसल के बारे में स्केलेटल मसल की बात करें इसका एग्जांपल है जैसे बाइसेप मसल ये वाली, ये वाली है ना स्ट्रिएटेड स्ट्रिएटेड होती होती हैं हैं और वॉलंट्री नेचर की होती हैं इनके फंक्शन को अपनी इच्छा से हम कंट्रोल कर सकते हैं ये देखिए स्ट्रिएशन भी दिखाए गए यहाँ पर स्मूथ मसल की बात करें तो ये फ्यूजी फॉर्म होती है दोनों एंड पर है ना दोनों एंड पर पतली होती बीच में मोटी होती है जिन्हें फ्यूजी फॉर्म

न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और न्यूरो हमारे न्यूरल टिश्यू का 50 परसेंट से ज्यादा वॉल्यूम बनाती है ज्यादा वॉल्यूम ये बनाती है हम अपने हर्ट की बात करें तो बेटा हमारे हर्ट में चारों तरह के टिश्यू मस्कुलर और न्यूरल चारों तरह के टिश्यू हमारे हर्ट में प्रेजेंट होते हैं अर्थवॉर्म आपके सिलेबस में है नहीं काक्रोच आपके सिलेबस में उसको जल्दी से देख लेते हैं काक्रोच काक्रोच की बात करें तो क्लास इंसेक्टा फ़ाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है ना और अगर हम काक्रोच की बात करते हैं तो ये नॉक्टर्नल ओमनी ओरस नेचर के होते हैं है ना साइंटिफिक नेम पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, है एबडोम में पूरी बॉडी काइटिनस एग्जो से कवर्ड होती है इनमें जो हर सेगमेंट में जो एग्जो स्केलेटन होता है उन्हें स्केलेट कहते हैं

तीन पार्ट यहां पर हो जाएंगे अब सेगमेंट से सेगमेंट से एक, से एक पेयर वॉकिंग लेग एराइज करता है जो विंग होते हैं वो दो पेयर होते हैं पहला पेयर मीजोथोरैक्स से निकलता है और सेकेंड पेयर मेटाथोरैक्स से एराइज करता है जो मीजोथोरासिक विंग होते हैं ये उड़ने में सहायक नहीं होते जो हाइंड होते हैं मेटाथोरे ये फ्लाइट में यूज होते हैं एबडोम में मेल और फीमेल दोनों में दस सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं है ना दस सेगमेंट दोनों में पाए जाते हैं मेल की बात करें तो मेल में एक पेयर थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होते हैं जो फीमेल में नहीं पाए जाते हैं लेकिन जो एनल सिराई होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं एनल सिराई दोनों में एनल स्टाइल केवल मेल में प्रेजेंट होते हैं ये माउथ पार्ट यहाँ पर आपको दिखाया गया एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के तीन रीजन है एक gut, gut और gut. Gut में क्या जाएगा Mouth आ जाएगा pharynx आ जाएगा आ जाएगा माउथ आ आ आ फेरिंग्स इसोफेगस क्रॉप और गिजार्ड नाम के स्ट्रक्चर आ जाएंगे ठीक है क्रॉप का, का काम क्या होता है क्रॉप का, का काम होता है स्टोरिंग ऑफ फूड गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस क्या करता है बेटा ये फूड को ग्राइंड करने का काम करता है ग्राइंड करने का काम करता है गिजार में सिक्स हाईली काइटनेस प्लेट पाई जाती है जिन्हें तीर्थ का नाम दिया जाता है अब छे से आठ हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका पाए जाते हैं फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे जो कि सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को मिड गट और हाइड गट के जंक्शन पे सौ से डेढ़ सौ येलो कलर के मालपीजियन टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं मालपीजियन टिब्यूल जिनका काम आप जानते हैं एक्सक्रीशन का काम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम काक्रोच में ओपन टाइप का पाया जाता है ब्लड सेल को ब्लड को यहाँ पर हीमोलिम्फ कहा जाता है और इनके ब्लड में कलरलेस प्लाज्मा और हिमोसाइड मतलब इनका ब्लड कलरलेस होता है इनका जो हर्ट होता है वो थर्टीन चैम्बर का हर्ट होता और है और एलरी मसल आपको दिखाई गई है एलरी मसल यहाँ पर आपको दिखाई गई है रेस्परेटरी सिस्टम यहाँ पर ट्रेकियल सिस्टम ट्रेकिया ट्रेकियल ट्यूब पाई जाती है टेन पेयर के स्पायरेकल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टेन पेयर स्पाइरकल पाए जाते हैं एक्सक्रीशन मालपीजन ट्यूबुल्स होता है ये यूरिको टेलिक नेचर के हैं मालपीजन के फैट बॉडी नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में मदद करती हैं नर्वस सिस्टम काक्रोच का वेंट्रल साइड में पाया जाता है तीन गैंगलिया थोरेक्स में और सिक्स एबडोमिन में टोटल नाइन गेंगलिया यहाँ पर पाई जाती हैं और इनका जो नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला होता है लेकिन हेड में नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा हिस्सा पाया जाता है और इसीलिए अगर इसके हेड को कट कर दिया जाए तो एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है ब्रेन ब्रेन सुप्राइसोफेज गैंगलियॉन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें कंपाउंड आई पाई जाती हैं और एक कंपाउंड आई में दो हेक्सागोनल ओमेटीडिया पाए जाते हैं ओमेटीडिया से ये मोजेक विजन का फॉर्मेशन करता है जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा लेकिन रेजोल्यूशन कम होता है इसे नॉक्टर्नल विजन भी कहा जाता है काकरोच डायसियस यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं मेल की बात करें तो फोर्थ से सिक्स एबडोमल सेगमेंट में वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं वन पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं यहाँ पर मशरूम सेप्ड ग्लैंड पाई जाती है केवल मेल में ये चीज आपको ध्यान रखनी है साथ ही फेलोमियर यहाँ पर पाए जाते हैं काइटनेस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फेलोमियर पाए जाते हैं फीमेल की बात करें तो फीमेल में दो से सिक्स एबडोम सेगमेंट में दो लार्ज ओवरीज पाई जाती है हर ओवरी के अंदर एट ओवेरियन टूल या ओवेरियल पाए जाते हैं टोटल सोलह ओवेरियोल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ठीक है सोलह ओवेरियोल पाए जाते हैं फीमेल एवरेज नौ से दस उथिका और चौदह से सोलह एक प्रोड्यूस करती है जो डेवलपमेंट होता है ये पारो मेटाबोलस होता है यानी यहाँ पर निम्फल स्टेज होती है थर्टीन टाइम थर्टीन टाइम माउटिंग करता है जो काकरोच होता है उसमें थर्टीन टाइम मोल्टिंग होता है इनका कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता है ये हमारे हैबिटाट में ही रहते हैं और हमारे जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको स्पॉयल कर देते हैं कंटामिनेट कर देते हैं और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ को ये ट्रांसमिट करने का भी काम करते हैं